बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आप सब लोग भी ठीक होंगे और जहाँ कहीं भी कोई है अल्लाह ताला सबको ठीक ही रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आने वाली तमाम तर मुसीबतों परेशानियों को दूर रखे और अपनी खास रहमतों का नज़ूल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, आप इतने कीमती वक्त से मेरे लिए वक्त निकालते हैं और मुझे मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे बड़ा अच्छा सा कमेंट करते हैं, तो मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ। तो आज हम क्या बनाएंगे, आज हम बनाने लगे हैं कुकीज़। तो बच्चे क्योंकि घर में हैं, छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो बच्चे घर में अब क्या करेंगे, कभी पिज़्ज़ा खाएँगे, कभी कुकीज़ खाएँगे, कभी कोई डिमांड करेंगे, कभी कोई करेंगे। तो बच्चों की फरमाइश पर आज हम बनाते हैं कुकीज़, वो भी मेरे बच्चे ही बनाएंगे। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मामा हमने ही बनाना है, मैंने बोला चले ठीक है आप ही बनाओ। ये मैंने प्लेन फ्लावर लिया है 1 1/2 कप, ये ऑयल लिया है 1/2 कप और ये शुगर लिया है मैंने, कस्टर्ड शुगर लिया है 1/2 कप, ये मैंने लिया है कस्टर्ड, ये कोको पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून और ये मैंने ली है ये बेकिंग पाउडर है, ये हम 1/3 स्पून लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Today I'm making cookies. First we put oil inside. Then we put 1/2 teaspoon in the bowl. Now we mix it. Then we put 2 tablespoons of total powder into the bowl. Now we don't mix oil of the bowl properly. Now we put baking powder into the bowl. Now we put 1 tablespoon of baking. 1 teaspoon. 1 teaspoon of baking powder into the bowl. Now we mix it. जी ये देखिए मैंने जो ये डो था ये बच्चों ने रेडी कर लिया है और ये मेरे बेटे को बड़े ही अच्छी कुकीज लगते हैं, वो अपने मनपसंद की बना रहा है, उसे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें मुझे थोड़ा ऑयल जो था वो कम लग रहा था, इसमें पानी दूध कुछ हमने ऐड नहीं करना। अगर आपका दिल चाहे तो आप फर्स्ट टाइम पे एग जो है जब हम ऑयल और चीनी को मिक्स कर रहे थे उस टाइम पर आप डाल सकते हैं, तो इसलिए फिर मुझे ऑयल कम लगा था। तो मैंने ऑयल तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून और डाला और फिर इस तरह का हमने जो डो था वो रेडी कर लिया है, क्योंकि हमने बहुत सॉफ्ट भी नहीं बनाना और बहुत हार्ड भी नहीं बनाना, जिस तरह रोटी का आटा होता है इसी तरह हम बनाएंगे इसको। तो ये रेडी हो चुका है, अब हम इसके कुकीज़ बनाते हैं। जी ये देख लीजिए ये माशाल्लाह इस तरह जो कुकीज़ हैं इस तरह हम बनाएंगे, ठीक है। बेटा वो छोटा बहुत ज़्यादा है, 4 साल का, उसको बनाना तो नहीं आता, ये तो मैं उसको बना के दूंगी। तो ये हम इस तरह बनाएंगे, तो ये छोटा सा बिल्कुल हमने बोल लेना है और उसे इसको फिर हमने हाथ के ऊपर आकर थोड़ा सा हमने इसको ये जो अंदर मिडल में हाथ है तो इसके ऊपर आकर थोड़ा सा हम चपटा करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुकीज़ हैं, इसके ऊपर आप देखते हैं बच्चे क्या लगाना पसंद करेंगे, फिर हम वो भी लगा देंगे। ओके Mama, put the cookies into the oven. Okay. जी ये मेरे जो बच्चे हैं इन्होंने बेटे ने कुकीज़ माशाल्लाह से रेडी कर लिए हैं और इसको मैंने ओवन में अब रखूँगी, तकरीबन 180 सेंटीग्रेड पे रखूँगी इसको मैं, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। जी देखिए कुकीज़ बच्चों ने रेडी कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे बड़े मज़े के बने हैं, ये देख लीजिए। तो ये ऊपर से ये जो इनका पिंक कलर था वो थोड़ा ऊपर मेल्ट हो चुका था, ये दोबारा से मैंने ऊपर लगाया है, तो ये देख लीजिए पीछे से भी देखिए और आगे से भी, ये माशाल्लाह से बड़े अच्छे बने हैं। तो ये बच्चों की मनपसंद है चॉकलेट, आपको पता है, तो आप भी ज़रूर बनाएँ, ट्राई कीजिए, बच्चों को दें, ये हॉलीडेज है, बच्चे घरों में मना रहे हैं और बड़े खुश हैं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, मैं फिर लौट के आऊँगी एक बहुत सिंपल और सादा रेसिपी के साथ। ओके अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।